हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो फाइनली यार 7 स्टार वॉन्ग मिल चुका है, तो चलो इसको रैंक अप कर लेते हैं और इसका जो डैमेज है वो टेस्ट कर लेते हैं जाके रियल्म ऑफ लेजेंड के बकी के ऊपर। तो यार सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी मेरे पास 1.5 मिलियन गोल्ड है। हमेशा मैं सारा आइसोलेट की वजह से हमेशा अटक जाता हूँ, तो अभी मैं सारी आइसोलेट जितनी भी है मैं सारी अपनी 7 स्टार में अभी डाल दूंगा। अभी मैं देखूंगा नहीं कि मेरे को बचाना है। 43,000 हिट पॉइंट है अभी से ही इसकी, भाई साहब खतरनाक है वो। भाई पहली सी मिस्टेक मेरे पास इतनी सारी पड़ी हुई है। हाँ, तो मैंने मिस्टेक वैसे जमा करके भी रखा था कि मेरे को मालूम था कि मतलब मालूम नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मतलब था कि आगे कोई मेरे को मिस्टेक चैंपियन को रैंक अप करना पड़े तो ये अभी हो जाएगा। मेरे को तो लग रहा है कि इतना ज़्यादा गोल्ड और ये सब नहीं लेने वाला है। ये पहले देख रहे थे कि मिस्टेक आईसो मेरे पास कितनी है, तो अभी 66 है, तो मेरे ख्याल से होपफुली हो जाना चाहिए लेवल 25। 43,000 थी जब मैंने हिट पॉइंट चेक किया था इसकी, जब रैंक वन लेवल वन पे ही था जब भी मैंने देखा था। तो मेरे को नहीं लगता कि ये हमारा फेस बनने वाला है। अभी हो सकता है कि टॉप 4 में आ जाए, अपने प्रोफाइल में आ जाए, लेकिन हो सकता है कि अभी मेरा फेस नहीं बने। अरे बहुत जल्दी रैंक अप हो गया यार, ये ऐसा लग रहा नहीं था कि मतलब ये रैंक अप इतनी आसानी से हो जाएगा। नहीं, ये फेस बनेगा। कितने हो गए, ये किटी प्राइस से हल्का ही नीचे है, 18,300 पे, ये 17,300 पे, तो ये फेस बन जाएगा। भाई मेरे को तो अच्छा ही लगेगा कि अगर ये फेस भी बन गया ना, मेरे को मजा आने वाली है। और बहुत कम आइसोलेट लगी यार, ऐसा लग रहा है बहुत कम आइसोलेट में ही रैंक अप हो गया ये। ओ भाई वो भी गया 23 लेवल 23 पे, तो हो जाना चाहिए यार। मेरा फेस बन जा भाई, मेरे प्रोफाइल का फेस बन जा, मैं हटा दूंगा इसको और 7 स्टार वॉन्ग को लगा दूंगा, हो जाएगा। मेरे को जहाँ तक लग रहा है 300 रैंक की वजह से रुकना नहीं चाहिए यार। ये 300 रैंक की वजह से रुक गया ना भाई, बहुत बुरा लगेगा। देखते क्या होगा। अभी तो अच्छी खासी आइसोलेट है अपने पास। अभी मेरे को अपने हरक्यूलिस को रैंक 4 भी करना है, तो ठीक है हो जाना चाहिए, फेस बन जा प्लीज़। मेरे को 300 रैंक बढ़ा दे इसका जो आगे का भी, जल्दी चल रहा वाईफाई। ओके भाई ओके, बन गया। 52,000 हिट पॉइंट है भाई साहब। चेंज प्रोफाइल कर, यहाँ पे प्रोफाइल नेम नहीं, प्रोफाइल पिक। मैं अपने वॉन्ग को टॉप चैंपियन को अपनी पिक रखना चाहता हूँ भाई। वॉन्ग जो हमारा पहला 7 स्टार वॉन्ग है, 18,650 पे, और देखते इसकी चैंपियन इन्फो 49,000, क्योंकि मतलब ग्लास कैनन है शायद इसके लिए इसकी हिट पॉइंट कम दिखा रहा है। तो अब चलते हैं एंड टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे जाके। अब मैं हाई करता हूँ। ओके, अभी इसकी जो सिनर्जीज है, इसकी सिनर्जीज में कोई अच्छे से नहीं मालूम है, लेकिन 7 स्टार फोकस स्टैट्स अच्छा अगर यहाँ पे से। ओहो भाई ऐसा भी है क्या, लेकिन अभी मेरे को ये चेक नहीं करना है। अभी मेरे को अभी रैंक अप किया हूँ, तो इसकी जो सिनर्जीज है ठीक है, अभी सब चैंपियन रख लेते हैं। फिलहाल आर इंक्रीज पर 20%, कोई एक को भी ले लूँगा तो हो जाएगा ना, तो मैं विकिन को ले लेता हूँ अपने, सबको ले लूँगा भाई जो जो भी इसके सिनर्जीज में आ रहा है। एडिशनल वॉन्ग एक्टिव, तो चलो शांगची को भी रख लिया। 19,650 भाई साहब, बहुत ज़्यादा खतरनाक इसकी जो रेटिंग है। और फर्स्ट टाइम अपने 7 स्टार को यूज़ कर रहा हूँ, तो पता नहीं यार ये कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। लेट्स सी, हमारा पहला 5% प्लस है यहाँ पे एंड्रेनलिन, देख सकते हैं कि यहाँ पे 30% जो अटैक पॉइंट है 5% बढ़ा दिया है, और पता नहीं क्या है ये सब। अभी जब खेलेंगे जब मालूम पड़ेगा 7 स्टार के साथ के कैसे मज़ा आता है। ओह भाई ये फ्रेम देख के ना बहुत अजीब लग रहा है। तो सबसे पहले जो एक्टिव कर लेते हैं हमारा ये जो भी बल्क और पता नहीं क्या था, इसकी जो हिट पॉइंट है भाई अभी वो बहुत ज़्यादा है। अरे यार मैं भी आगे जा रहा हूँ, खाली मैं आगे जा रहा हूँ। अभी मेरी पिटाई होने वाली है, वैसे भी मेरे को देखने का ही है, अगर थोड़ा सा पिट भी जाऊँगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है 100 पे आ गया ये, मेरे को इसका डैमेज चेक करना है भाई कि ये कितना ज़्यादा डैमेज दे सकता है। अब ये जो हमारा तीसरा स्पेल है ये देंगे, अब आ गया। अब अपना स्पीड यूज़ करना है अपना हैवी अटैक भाई, डैमेज तो अभी से बहुत ज़्यादा तगड़ा है। मुझे देखना ये है कि SP2 जब पड़ेगा। अरे यार ठीक है डैमेज चाहिए, इतना कुछ खास डैमेज नहीं था। आजा बेटे, ओहो भाई तो ये हो गया 2। मेरे को कम से कम यहाँ पे 9 जो इसके है ना स्पेल जो वो करना है। मेरे को लगता है नहीं कि ये 9 स्पेल तक जिंदा रह पाएगा। आजा ठीक है, ये पॉज हो जाती है
ठीक है, एक 26,000 भाई साहब डैमेज। रीजनरेट ये ले, अभी मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब एक और जो है हो गया मेरे पास। यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मेरे पास 8 स्पेल हो चुकी है। आ जा, ठीक है। एसपी के टाइम पे कोई भी एसपी तो ये पौध हो ही जाता है। एनर्जी डैमेज देख रहे हो गाइस, ठीक है। एक और डैमेज, और डैमेज भाई ये कुछ ज़्यादा ही तगड़ा डैमेज दे रहा है यार। आ जा, हाँ अभी फिर से मैं, अभी ये एक और SP2 और ये भाई ख़त्म। वो भाई इसका डैमेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब भाई 7 स्टार है और इसका डैमेज इतना रह गई। अभी चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे, देख लेते हैं कि ये मेरे ख्याल से कॉस्मिक चैम्पियंस की तो वाटी लगा के रख देगा। और जो हिट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, 50,000 हिट पॉइंट है विदाउट एनी बूस्ट या फिर ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया मैंने अभी। जब अगर बूस्ट यूज़ कर लूँगा तो मेरे ख्याल से 1 लाख हिट पॉइंट तो ऐसी हो जाएगी यार। SP1 देंगे यहाँ पे, 10,000 का डैमेज है तो मेरे को लग रहा है ऐसी मर जाएगी गाइस। ठीक है, मेरे को लग रहा है ना कि मेरे को SP2 पुश करना पड़ जाएगा यहाँ पे, वरना मेरी जो स्पेल है ना वो खत्म हो जाएगी। आ जा, ठीक है। 10,000 का डैमेज दे रहा भाई साहब यहाँ पे। अभी कोई एनर्जी डैमेज नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने वाली जो बोलते हैं ना ये वाला एक्टिवेट नहीं किया हुआ। ये क्या नाम है इसका पता नहीं, 105। भाई जो इसका पावर गेन है वो बहुत खतरनाक है। अब देखो एनर्जी डैमेज आने लगा यहाँ पे। अब यहाँ पे SP2 के लिए रेडी, ठीक है। अभी इतना कुछ खतरनाक डैमेज देखने नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो डैमेज आएगा आउटपुट उठ के वो देख के जो मजा आने वाली है ना। फिर से मेरा पावर गेन रेडी हो गया गाइस। क्या चैंपियन है ये, क्या चैंपियन मिल गया भाई मुझे, मेरे को यकीन नहीं होता कि इतना अच्छा पहला 7 स्टार मिल जाएगा। ठीक है भाई, 14,000 खतरनाक है यार, ये बहुत ही खतरनाक है। शॉर्ट फाइट में तो वाइट लगा के रख देगा यहाँ पे। चल बेटे हो गया एक और, अब एक और स्पीड और मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगी। ठीक है, ख़त्म होना चाहिए यहाँ पे, ख़त्म होना चाहिए। ओ भाई लगा ही था कि यहाँ पे तो ख़त्म करेगा ही। तो ठीक है यार, ये वॉन्ग तो बहुत ज़्यादा ओपी चैंपियन है, मतलब लॉन्ग फाइट में ये 5-5 लाख हिट पॉइंट इतनी जल्दी ख़त्म कर दे रहा था। तुम लोग सोच सकते हो कि यार ये बड़ी फाइट्स में क्या, मतलब छोटी फाइट्स में ये क्या करेगा। तो ठीक है, अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सीन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।